2024 तक विपक्षी एकता बनाए रखने में कांग्रेस जुटी हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर। 2024 से पहले विपक्षी एकता बनाए रखने में कांग्रेस जुटी हुई है। बीआरएस के 50 से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। साउथ में कांग्रेस को मजबूत करने का दाव और तमाम दलों को तोड़ना होगा केसीआर के साथ अब रिश्ता। 2 जुलाई से तेलंगाना में प्रचार करेंगे राहुल गांधी और 2 जुलाई आने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने कोशिश की है कि साउथ में यानी दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर आप बाकी के राज्यों में देखेंगे वहां कांग्रेस की हालत उतनी ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि साउथ में खुद को मजबूत किया जाए, 2024 के हिसाब से कांग्रेस को मजबूती दी जाए और इसीलिए ये यहां पर किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देखेंगे कि कैसे कांग्रेस का जोश है और विपक्षी एकता की जो बात की जा रही थी अब उस पर सवाल भी खड़े होने लाजमी है। ये तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। बीआरएस की बात की जा रही है, भारत राष्ट्र समिति 50 से ज्यादा कांग्रेस के साथ। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, कांग्रेस को खुद को मजबूत भी करना है तो नेताओं के शामिल होने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जब एकजुटता की बात की जा रही है तो उस परिप्रेक्ष्य में से कैसे देखें हम? देखिए, दरअसल अगर आप केसीआर को देखें तो केसीआर ने जनवरी में खम्मम में जो है एक बड़ी रैली की थी, उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस और राहुल गांधी स्वीकार नहीं थे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में पटना के बाद जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के ही साथ साथ जो है पूरी विपक्षी एकता बनी है। ऐसे में न 2024 में लोकसभा चुनाव का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस अब राज्यों में लागू करेगी। कांग्रेस का ये साफ साफ कहना है कि विपक्षी एकता में सभी पार्टियां को अपने निजी रिश्तों को, मसलन की चाहे ममता, केजरीवाल, उद्धव या कोई भी हो, उनको केसीआर से अपने रिश्तों को दूर करके केसीआर के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर बीआरएस का समर्थन लेफ्ट पार्टियों ने किया था, लेकिन अब लेफ्ट जो है वो विपक्षी एकता में कांग्रेस के साथ है। ऐसे में केसीआर के खिलाफ जो है एक बड़ी जो रणनीति तैयारी है कांग्रेस ने करनी है। चुनौती का सामना कैसे करेंगे गौरव, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना और ये चुनाव तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।